नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर जो आज बनी रही सुर्खियों में। हाथरस जाते वक्त पुलिस ने राहुल गांधी को किया गिरफ्तार, धक्का मुक्की में गिरे नीचे, पूछा क्या इस देश में सिर्फ मोदी जी को ही पैदल चलने का हक है। हाथरस के बाद बलरामपुर में गैंगरेप, 22 साल की दलित युवती से दुष्कर्म, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। औरैया में साड़ी से लटके मिले एक महिला, 3 बच्चियों के शव, मौके पर पुलिस फोर्स तैनात, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। यूपी सरकार ने जारी की अनलॉक 5 की गाइडलाइंस, 15 अक्टूबर से कुछ शर्तों के साथ मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति। गैंगरेप को लेकर सियासत शुरू, मायावती का यूपी सरकार पर पलटवार, सिद्धार्थ सिंह ने कहा सियासी वजूद बचाने की कोशिश में विपक्ष राजस्थान पर क्यों चुप है कांग्रेस। हाथरस कांड पर पुलिस का बड़ा बयान, नहीं हुई दुष्कर्म की पुष्टि, माहौल खराब करने वालों पर होगी कार्रवाई। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा भाजपा संघ से बात कर यूपी के नेतृत्व में परिवर्तन करें, योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ संभाले। हाथरस दुष्कर्म पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सफदरजंग अस्पताल का दावा, पीड़ित का बार बार दबाया गया गला, टूट गई थी सर्वाइकल स्पाइन, दुष्कर्म की नहीं हुई पुष्टि। हाथरस में प्रशासन के अपने बहाने पीड़ित परिवार की सुरक्षा में तैनात किए गए 3 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, मीडिया और आम लोगों के लिए गांव सील, विपक्ष का आरोप, आवाज दबाने के लिए बनाया गया कंटेनमेंट जोन। बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले भाजपा सांसद रवि किशन को मिली Y+ की सुरक्षा, सीएम योगी को कहा धन्यवाद। हमीरपुर के पठान मोहल्ला में मां से विवाद पर युवक ने कुएं में कूदकर दी जान, नहाने के लिए हुआ था विवाद। आगरा में फेसबुक पोस्ट कर फार्म हाउस पर संचालक ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव। बलरामपुर में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। फतेहपुर में सौतेली बेटे से संबंध के शक में बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या, जांच में हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।